दोस्तों, दुनिया में महामारियों का दौर कोरोना वायरस से पहले भी चलता रहा है। कोरोना त्रासदी के पहले मलेरिया ऐसी बीमारी रही है जिसने दुनिया में हर साल 4 लाख लोगों की जान ली है, लेकिन इसको रोकने के लिए आज तक इसकी वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी है। लेकिन अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को बड़ी खुशखबरी दी है, जिसे अब इस महामारी पर सबसे बड़ी जीत बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हर किसी के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि इतने दिनों तक मलेरिया की वैक्सीन क्यों नहीं बनाई जा सकी, जबकि कोरोना की वैक्सीन केवल एक ही साल में बनाकर लोगों को लगा भी डाली। मलेरिया की दवा मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो फिर वैक्सीन की क्यों जरूरत है? और बड़ी बात कि आखिर वो कौन से देश हैं जहां आज भी मलेरिया से लोगों की मौतें क्यों हो रही हैं? दोस्तों, ये तमाम बातें मैं आपको बताने वाली हूं, लेकिन पहले आप WHO की ताजा गुड न्यूज को सुन लीजिए, जो ये है कि दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन के इस्तेमाल पर मुहर लग चुकी है। WHO चीफ ट्रेडोस ने बकायदा इस घातक बीमारी से चल रही जंग में एक ऐतिहासिक दिन करार दिया है। अब इस वैक्सीन का इस्तेमाल दुनिया भर में किया जा सकेगा, जिसका नाम है मॉस्क्यूरिक्स, और इससे भारत को भी बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आखिर क्या वजह रही जो इतने लंबे समय से इस बीमारी की वैक्सीन बनाना इतना मुश्किल रहा, और इस नई वैक्सीन ने ये कैसे कर दिखाया? सबसे पहले इसका जवाब तलाशते हैं। दुनिया को 60 साल बाद मिली मलेरिया वैक्सीन, भारत के लिए जगी सबसे बड़ी उम्मीद। दोस्तों, मलेरिया बड़ी ही घातक बीमारी है। ये प्लाजोडियम फेलिस्पेरम नाम के पैरासाइट से फैलती है, जो मादा एनिफिलीज मच्छर के काटने से इंसानों में दाखिल हो जाता है। दोस्तों, इस पैरासाइट का जीवन चक्र इतना जटिल होता है कि इसे रोकने के लिए वैक्सीन बनाना इतने लंबे वक्त से लगभग नामुमकिन सा हो गया था, क्योंकि इसका जीवन चक्र तब शुरू होता है जब मादा मच्छर इंसान को काटती है और खून में प्लाज्मोडियम के स्पोरोजाइट सेल्स को रिलीज कर देती है। ये स्पोरोजाइट इंसानी लीवर में बढ़ते जाते हैं और मेरोजाइट बन जाते हैं। धीरे धीरे ये लाल रक्त कोशिकाओं को अपना शिकार बनाते हैं और इनकी संख्या बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से बुखार, सिरदर्द, सर्दी, मांसपेशियों में दर्द और कई बार एनीमिया भी हो जाता है। ये पैरासाइट के प्रजनन के लिए जरूरी गमेटोसाइट भी खून में रिलीज करते हैं। जब दूसरा मच्छर शख्स को काटता है, तो खून के साथ ही गमेटोसाइट उसके शरीर में चले जाते हैं। अब वैज्ञानिकों के सामने चुनौती की बात यह है कि जीवन के हर चरण पर पैरासाइट की सतह पर लगा प्रोटीन बदलता रहता है। इस वजह से ये शरीर के इम्यून सिस्टम से बचता रहता है। वैक्सीन आमतौर पर इस प्रोटीन को टारगेट करके ही बनाई जाती है, और इसलिए अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल सकी थी। दोस्तों, मलेरिया का तोड़ निकालने की कोशिश करीब 80 साल से चल रही थी और करीब 60 साल से आधुनिक वैक्सीन डेवलपमेंट पर रिसर्च जारी था। दोस्तों, अब मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन बनकर तैयार है, जो पैरासाइट की स्पोरोजाइट स्टेज पर ही हमला करता है। वैक्सीन में वही प्रोटीन लगाया गया है जो पैरासाइट में उस स्टेज पर लगा होता है। इम्यून सिस्टम इस प्रोटीन को पहचानता है और शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। वैसे इस वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स को 1980 के दशक में बेल्जियम में स्मिथक्लिन RIT की टीम ने बनाया था, जो अब ग्लैक्सोस्मिथक्लिन का हिस्सा है। हालांकि इस वैक्सीन को भी लंबे वक्त तक सफलता नहीं मिल सकी। साल 2004 में द लैंसेट में छपी स्टडी में बताया गया कि इसके सबसे पहले बड़े ट्रायल को 1 से 4 साल के 2000 बच्चों में मोजाम्बिक में जब किया गया, तो वैक्सीनेशन के 6 महीने बाद इन्फेक्शन 57% कम हो गया था। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे डेटा निराशाजनक होने लगा। साल 2009 से 11 के बीच 7 अफ्रीकी देशों में ट्रायल किया गया, तो 6 से 12 हफ्ते के बच्चों में पहली खुराक के बाद कोई सुरक्षा नहीं देखी गई। हालांकि पहली खुराक 17 से 25 महीने की उम्र पर देने से इसमें 40% इन्फेक्शन और 30% गंभीर इन्फेक्शन कम पाए गए। लेकिन रिसर्च जारी रही और साल 2019 में WHO ने घाना, केन्या और मालावी में एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें 8 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन दी गई। इसके नतीजों के आधार पर WHO ने वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। 23 लाख से ज्यादा खुराकें देने के बाद घातक मामलों में 30% की गिरावट देखी गई है। स्टडी में वैक्सीन का बच्चों के दूसरे वैक्सीनेशन या बीमारियों पर नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। WHO के डेटा के मुताबिक साल 2017 में मलेरिया के 92% मामले अफ्रीका के सब सहारा इलाके में पाए गए और बाकी दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों में। आधे मामले नाइजीरिया, कॉन्गो, मोजाम्बिक, भारत और युगांडा में पाए गए। दुनिया भर में साल 2017 में मलेरिया से 4.35 लाख मौतें हुई, जो पहले के मुकाबले कम थी। अभी इस वैक्सीन को सिर्फ अफ्रीकी देशों के लिए मंजूरी मिली है और अब दुनिया भर में इसे रोल आउट करने पर प्लान बनाया जाएगा। दोस्तों, इस वैक्सीन से भारत को भी बड़ी उम्मीदें हैं,
क्योंकि एक तो भारत में भी बड़ी तादाद में इस बीमारी से मौतें होती हैं, तो दूसरा इसका प्रोडक्शन भी भारत में किया जा सकता है। WHO चीफ का कहना है कि वैक्सीन एक शक्तिशाली हथियार है, लेकिन COVID-19 की तरह ही सिर्फ वैक्सीन पर भरोसा नहीं करना होगा, अभी भी मच्छरदानियों और बुखार का ध्यान रखना जरूरी है। हर साल मलेरिया से लाखों लोगों की जान चली जाती है। अफ्रीकी देशों में बच्चे इसका सबसे बड़ा शिकार बनते हैं।